गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभिनंदन, आप भी बहुत अच्छा। एक वो मिस्टेक था क्वेश्चन नंबर 16 में, और हम कल बताए भी थे कि जरा आप लोग ढूंढ के बताइएगा। तो एक जगह कॉस के डिफरेंशिएशन के जगह माइनस साइन होता वो बताए, और एक स्क्वायर और रूट के कारण स्क्वायर खत्म हो जाता। तो दो मिस्टेक था, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यार रिदम में लिखते हैं एक तरफ से, तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 पिछले दो लेक्चर से फंस रहा था। पिछले लेक्चर में भी सही हुआ था, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं था, और इस लेक्चर में कल वाले में मिस्टेक हुआ था दो जगह। तो वो क्लियर ठीक कर लीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, अभिनंदन। आप बहुत अच्छे ढंग से खोजे, और बाकी जो था वो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा है, आज खत्म करने की कोशिश करते हैं, और कर भी देंगे, आज खत्म कर देंगे। और इसके बाद फिर हम लोग एक अच्छे टॉपिक की तरफ जाएंगे। ग्रेजुएशन वाले हमारे से बहुत गुस्से हैं, हम जान रहे हैं इस बात को कि उनका हम कुछ लेक्चर नहीं तैयार कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा सा आलसपन जो स्वाभाविक है सबों के पास आता है, आप लोगों तक भी वो पहुंचता है, हमारे तक भी आता है। बाकी किसी दिन थोड़ा सा भी बारिश होता है तो चलिए आज छूट गया तो छूट ही गया, तो वो हमारे से गुस्सा है थोड़ा। तो जल्दी से आपका ख़त्म करते हैं, फिर आज उनका भी लेक्चर तैयार करने की जरूरत में है हम। ठीक है, तो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, और बाकी तो सारा समझाया हुआ है ना। तीन चार कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, वो वीवीआई लिख देंगे, और बाकी कुछ टेक्निक नहीं बचा हुआ है समझाने का, सारा टेक्निक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात समझ गए होंगे, तो वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा था, हाँ ये 20 कंप्यूट था, 21। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद इसको आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल गड़बड़ी लग रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक, चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इज इक्वल टू 2x, प्रूव दैट x² -1 y2 प्लस x y1 -m² y इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताए होंगे, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन तैयारी कर लीजिएगा, समझ रहे बात को। आइए, गिवन दिया हुआ है y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इज इक्वल टू 2x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y 1/m विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई टू द पावर 1/m विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर समझ में आ रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y मैच नहीं कर रहा, मैच कराना है। देखते हैं, शुरू में भी इसी तरह पढ़ा रहे थे, अभी भी उसी तरह पढ़ा रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर -1/m विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैंसल, चेन रूल लगाए, इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ वाई -1/m विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक, वाई प्लस डेरीवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। आई पावर है, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है। जो पावर है उस पावर को लिखिए, 1/m पावर को लिखे, और जिस पर पावर है उसमें एक कम कर दिए, इंटू dy बाय dx प्लस जो पावर है उस पावर को लिखिए, और उस पावर में
उसको जरा कम कर दीजिए, इंटू डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय एम दोनों में है, देखिए यहाँ पे बाहर किए y टू दी पावर 1 बाय एम माइनस 1 पावर है y पर, तो इसको y नीचे कर सकते हैं, इंटू डीवाई बाय डीएक्स प्लस, देखिए ये 1 बाय एम बाहर गया है, ये माइनस रह गया तो वो माइनस ये लिख दिए, y टू दी पावर माइनस 1 बाय एम अपॉन माइनस 1 y पर पावर है, तो एक y नीचे आ गया, और ये चीज देखिए इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए नीचे एक चीज लिख लेते हैं, यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे वन बाय एम दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा ध्यान से 1 बाय एम और ये वाई यहाँ नीचे है, वाई बाहर, ये वाई पे पावर 1 बाय एम माइनस वाई पे पावर माइनस 1 बाय एम, और ये देखिए डी वाई बाय डी एक्स बाहर, dy/dx इज इक्वल टू 2। दिस इज इंप्लाइज दैट एम और वाई, यहाँ ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लिखने जा रहे हैं, dy/dx इज इक्वल टू, लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये 2 है यहाँ बटे में है, इसको इधर ले आए तो 2my अपॉन ये वाला चीज देखिए dy/dx के गुना में है ना, जब इक्वल टू के उधर गया होगा तो वो पक्का डिवाइड हुआ होगा, और ये हुआ होगा y टू दी पावर 1 बाय एम माइनस y टू दी पावर माइनस 1 बाय एम, क्लियर समझ में आ गया होगा, इक्वेशन नंबर 2 इसका dy/dx निकल गया, इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए ये dy/dx निकल गया हमारा, अब d2y/dx निकालेंगे और इसका हम प्रयोग करेंगे उसमें, चलिए आइए समझते हैं आगे। उफ़ अब ध्यान से देखिएगा dy/dx ये चीज हमारा निकला, और डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स, और देखिए ये तो जानते ही है ना कि ये y1 कहलाता है, हम आपको लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग डालेंगे, ये y1 कहलाता है, बाद में जरूरत पड़ेगा तो चेंज करके लिखेंगे, अच्छा लग रहा है रहने देते हैं। आइए लिखते हैं यहाँ के बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यू बाय भी का डिफरेंशिएशन याद कराए हैं, बहुत बार याद कराए हैं, एक बार और याद करा देते हैं, वाई यू बाय भी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देखिएगा क्या था जो नीचे लिखा हुआ है उसका नीचे में ही क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत, अब नीचे वाले को ऊपर में स्टेबल रख देंगे, 1 बाय 1 लगाएंगे, नीचे वाले के ऊपर स्टेबल डेल यू बाय डेल एक्स माइनस ऊपर वाले को और नीचे वाले का फिर डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 लगाएंगे, डिवाइड का रूल है इसलिए माइनस लगाए, और जो नीचे था उसका स्क्वायर किए, बात समझ गए होंगे, बहुत इजी चीज है ये, समझ रहे हैं ना, जिनको याद नहीं रह रहा हो इसे लॉकडाउन में, उनके लिए हम हमेशा रिपीट करते हैं, इस बात को ख्याल रखिएगा। चलिए तो ये चीज देखिए जो नीचे है उसका स्क्वायर लिख रहे हैं, 1 बाय एम माइनस माइनस 1 बाय एम का होल स्क्वायर, फिर अब नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं,
वाई वन बाय एम माइनस वाई माइनस वन बाय एम इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ टू टाइम्स एम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टू एम वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला मतलब सेकेंड फंक्शन वाई वन बाय एम माइनस वाई माइनस वन बाय एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर समझ में आ गया होगा। दिस इंप्लाइज दैट नीचे वाई वन बाय एम माइनस वाई माइनस वन बाय एम का होल स्क्वायर। अब देखिए वाई पे पावर वन बाय एम माइनस वाई पे पावर वन बाय एम इंटू टू एम इंटू ये वाई का डिफ्रेंसिएशन टू एम कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और इस वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय डी एक्स माइनस टू टाइम्स एम वाई इंटू ये तो कांस्टेंट ये स्टेबल रहने वाला था स्टेबल रह गया था इसका डिफरेंशिएशन। थोड़ा ध्यान से बड़ा क्वेश्चन हो रहा है कॉपी में जितना आप साफ लिखेंगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। कॉपी में लिखने वक्त ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थोड़ा साफ सुथरा ढंग से लिखिएगा तब ज्यादा से समझ में आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे ये अलग डिफरेंशिएट होगा और ये अलग डिफरेंशिएट होगा तो लिखेंगे कैसे देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई पे पावर वन बाय एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई अभी फर्स्ट वाले में निकाल के दिखाए थे इनटू फिर डी वाई बाय डी एक्स माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई टू दी पावर माइनस वन बाय एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इनटू डी वाई बाय डी एक्स। एकदम ढंग से गड़बड़ नहीं कीजिएगा थोड़ा लॉन्ग हो जाए वो सही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डी वाई बाय डी एक्स इतना इज इक्वल टू ये देखिए यहां पे ध्यान से वाई पे पावर वन बाय एम माइनस वाई पे पावर वन बाय एम इंटू टू एम इंटू डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू यहां देखिए इक्वेशन टू में निकाल के रखे हुए हैं ध्यान से रखिएगा 2m y upon root y to the power 1 by m minus y पे power 1 by m इतना minus देखिए यहाँ पे 2m y into यहाँ पे जो power है उस power को लिखेंगे y पे power 1 by m minus 1 इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है पावर को लिखे इसी पावर पे एक कम किए ये बगल में था रख लिए अभी पहले वाले में भी उस तरह किए थे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने में माइनस ये जो चीज है माइनस वन बाय एम वाई पे पावर माइनस वन बाय एम माइनस वन पावर जो था लिखे पावर में एक कम किए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पर इतना लिख लेने के बाद अब यहां के बाद ये जो ये डिवाइड करेंगे ये पूरे में डिवाइड हो जाएगा वाई टू दी पावर वन बाय एम माइनस वाई माइनस वन बाय एम का होल स्क्वायर और ये निकल जो रहा है ये आपका डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझ गए होंगे ऊपर मिटा लेते हैं जगह नहीं है। डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं अब यहाँ पे देखिए जो डिवाइड है अकबक नहीं कीजिएगा समझिएगा ढंग से यानी कि स्किप कर दिए खत्म हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। जो नीचे है उसको यहाँ रखेंगे y टू दी पावर वन बाय एम माइनस y टू दी पावर वन माइनस वन बाय एम का होल स्क्वायर ये चीज यहाँ रख दिए
इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं। अब देखिए तो ये वाला चीज और ये वाला चीज मिल रहा होगा, कट गया, टू टू जा फोर एम स्क्वायर वाई, फोर एम स्क्वायर वाई माइनस टू एम वाई, ये टू एम वाई देखिए, यहाँ देखिए टू एम वाई, अब ये देखिए वन बाय एम और वन बाय एम बाहर कर लीजिए इन टू वन बाय एम, अब ध्यान से देखिएगा वाई पे पावर वन बाय एम, वाई पे पावर वन बाय एम अपॉन ये माइनस के कारण वाई एक नीचे आ गया, ये माइनस प्लस क्योंकि वन बाय एम बाहर ले आए हैं, ये वाई टू द पावर माइनस वन बाय एम, वाई टू द पावर माइनस वन बाय एम अपॉन ये जो वाई माइनस में ऊपर है वो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स, चलिए डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले आइए, चलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई वन बाय एम माइनस, देखिए ध्यान से अब एक एक स्टेप भी करते जाते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ओ ए बी यानी कि एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस हाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, जरा ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऐसा लिख दें, यहां पर हम ऐसा कर दें, यदि एक्स अच्छा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, यहां पे क्या है देखिएगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस चीजों को हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसा कोशिश कर रहे हैं वो देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम माइनस कर दिए तो दो पहले से आपके पास था, तो दो से आप जीरो आए होंगे, दो रुपये का घाटा हुआ, और फिर माइनस दो चले गए तो पूरे कितने रुपये का घाटा हो गया, पूरे चार रुपये का घाटा हो गया, अब इसमें आपको चार रुपया ऐड कर देना पड़ेगा, साफ दिख रहा है बगल में, हम देख लेते हैं फिर मिटा के लिए लिख सकते, ठीक दिख रहा है, तो देखिए तो पहले ये प्लस था टू, अभी माइनस टू कर दिए तो पूरे चार रुपए का घाटा होगा, क्योंकि जो बोनस टू रुपया था वो खत्म और माइनस दो हो गया, तो चार रुपए का घाटा हो गया, वो घाटा को कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्लस चार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, अब देखिए ये सही हो गया ना, क्योंकि चार का यहाँ जब घाटा होगा चार हम जोड़ भी दिए तो क्लियर हो गया, अब देखिए इन चीजों को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इतना सा चीज को, और ये वाला चीज प्लस फोर एक्स वाई लिख सकते हैं कि नहीं, और इधर इक्वल टू क्या चल रहा था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर चल रहा था ना, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, ये वाले चीज को आप इस साइड ले आइए, x माइनस वाई का x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये वाला इक्वल टू के इधर लाइएगा, तो माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक फॉर्मूला निकल गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, और एक दूसरा फॉर्मूला भी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो देखिए ये कारण ये फॉर्मूला आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन अब आप लॉकडाउन में भूले थे या नहीं भूले थे वो हम नहीं जानते, ये बात आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, अभी यही यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये साइड में आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा कैसे लाए, पूरा टेक्निक सिखा दिया आपको, जिस तरह क्लास में सिखाया करते थे, हर एक तरह के स्टूडेंट है, सब पे ध्यान देना होता है, जो जानते थे वो इन चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी था बताना सबको समझने के लिए, तो चलिए अब ये इसको हम मिटा लेते हैं, और इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे निकाले वो बता दिए, अब इस फॉर्मूला को हम नोट में बगल में लिख देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, इसका प्रयोग करेंगे भी तुरंत हम लोग, देखिएगा
यहाँ देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ के लिखेंगे, दोनों को दोनों के प्लस का स्क्वायर और ये माइनस फोर एक्स का, यानी कि y पे पावर 1 बाय m इंटू वाई पे पावर माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू 4 एम स्क्वायर वाई, क्लियर है, माइनस ये इसका इतना सा का ये काम हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा, 2 एम स्क्वायर वाई माइनस 2 टाइम्स m y अपॉन, ये देखिए ये m लिख रहे हैं और ये देखिए नीचे y, देखिए ये भी y लिख रहे हैं, क्या बच गया y टू दी पावर 1 बाय m प्लस y टू दी पावर माइनस 1 बाय m और ये dy बाय dx, ये आपका नोट है dy बाय dx, कोई दिक्कत नहीं ना, आइए दिस इज इंप्लाइज दैट, ये ब्रैकेट बंद, डीवाई बाय डी एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए वाई वन बाय एम प्लस वाई माइनस वन बाय एम, क्वेश्चन देखिए यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने होंगे, फर्स्ट में ऊपर में कॉपी में लिखा हुआ होगा, तो इसका वैल्यू जो हम लिखेंगे वो टू एक्स है लिखा हुआ, देखिए टू एक्स है उसका होल स्क्वायर, इसी कारण से ऐसा किए थे माइनस फोर, देखिए तो वाई पे जो पावर है यहाँ वाई पे माइनस में वही पावर है, तो दोनों कट के क्या दे दिया वन, यानी कि क्लियर वो हो गया, ये फोर हो गया, नहीं जानते हैं एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर एक्स वन और एक्स टू दी पावर माइनस वन, ये और ये कैंसिल होता है, बच्चा वाला सारा चीज है जी, ये तो ऑनलाइन है तो थोड़ा सा बताना ज्यादा जरूरी है, तो सामने है नहीं, पूछ नहीं सकते किसी से, फोर एम स्क्वायर वाई, ये देखिए ये चीज कैंसिल हो गया और ये 4m स्क्वायर y माइनस ये 2 ये 2, अब देखिएगा y 1 बाय m प्लस y माइनस 1 बाय m 2x, क्लियर है 2x इंटू ये dy by dx, क्लियर है, इसका वैल्यू 2x, ये भी वैल्यू 2x रखे, ये भी वैल्यू 2x रखे, बगल में लिख देते हैं कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट d2y by dx स्क्वायर मिटा देते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर वाई माइनस टू टू जा फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन, 4 कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 4 कॉमन एम स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए तो जब 4 कॉमन ले लिए तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसके बाद इधर क्या बचा इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, क्लियर है, देखिए प्रूफ हो गया एक्स इंटू वाई, अब इसको सिर्फ उस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, एक साथ पूछा प्रूफ हो गया, ना करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वाला इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स,
और ये वाला भी इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इस चीज को एक लाइन और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर है? आप देखेंगे, देख पूरा भी हो रहा होगा, इसको वाई टू लिखेंगे और इसको वाई वन लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ये समझिए कि पूरे डिफरेंशिएशन में एक बॉर्डर का काम करेगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक बोर्ड ही गड़बड़ है, बाकी सारा चीज ठीक है। एनवायरनमेंट इधर खराब होता है यार, क्या बाकी एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, यहाँ भी लगता था कभी कभी गर्मी लगता है, लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ के बाद पता चलता है कि यही ठीक है। तो एक तकलीफ, जब आपको जब तक आप जहाँ रहते हैं आपको तकलीफ महसूस होता है, और जब उससे आप थोड़ा सा तकलीफ वाले एरिया में या जगहों को चेंज करते हैं ना, तब पता चलता है कि वो हमारा पहले वाला प्लेस जो था वो हमारा कैसा प्लेस था। यानी कि जब तक कंपेयर नहीं होता है दो चीज़ों में, तब तक किसी चीज़ों की महत्वता पता नहीं चलती है। तो समझ रहे हैं ना, तो कंपैरिजन भी ज़रूरी है और फिर प्रतिद्वंदी भी ज़रूरी है। प्रतिद्वंदी भी रहे तो थोड़ा सा मजबूती के साथ लोग आते हैं, सब कोई, ये खास किसी एक पार्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सबों के साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, चलिए आइए। आजकल हम टेक्निक भी बहुत सीख गए हैं, आप सामने नहीं भी हैं लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं कि आप सामने हैं, क्या कोई ना, चलिए अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद और कुछ बात भी करेंगे हम लोग, बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे कुछ चीज़ों पर। चलिए आ रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो गया, 22 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y is equal to x to the power n minus 1 log x prove that x square y 2 plus 3 माइनस 2 इतना वाई वन given y is equal to x to the power इतना log x। अब देखिए इन चीजों को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, थीके? तो इसको ऐसा क्या करें जो डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो वही जो चीज हमारा पुराना चल रहा था उसी तरह होता है, तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स तक निकलते हैं और ये प्रूफ करने वाली जो चीज़ है उसको आप प्रूफ कर लेंगे आराम से, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस तरह पीछे वाला था उससे हल्का ही क्वेश्चन है, भारी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होता है ढंग से। तो लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाई टू और वाई वन से डरिएगा नहीं, ये डी टू वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ही है, बात पहले से आप जान रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं ये यू ये भी। अब इन चीजों को हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिएगा,
स्टेबल फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x, derivative of second function with respect to x plus stable log first function and derivative of n minus 1 with respect to x. dy by dx is equal to stable n minus 1 into log x का differentiation 1 by x. क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक नहीं ना किए हैं जो अमूमन हम किया करते हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 22, x टू द पावर n माइनस 1 log x, x टू द पावर log x और ये x स्क्वायर y 2 प्लस 3 माइनस 2 n x y 1 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर y इक्वल टू 0. ठीक है, तो मेहनत सब बेकार हो जाएगा. x टू द पावर n माइनस 1 log 1 बाय x प्लस log x इंटू इसका डेरिवेटिव जो पावर है इंटू में और उसी पर n माइनस 1 माइनस 1 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस n माइनस 1 पे पावर माइनस 1 ये ऊपर जाएगा तो ये x टू द पावर माइनस 1 दोनों का बेस x रह गया तो माइनस 1 हो गया इंटू log x ये इंटू नहीं है सॉरी प्लस सॉरी हाँ ये इंटू ठीक है यहाँ प्लस हाँ ये ऊपर सॉरी यहाँ प्लस बहुत मिस्टेक हो रहा है ना ये प्लस log x अब ये n माइनस 1 पे पावर x टू द पावर n माइनस 2 क्लियर है ये dy by dx is equal to x to the power n minus 2 plus log x n minus 1 पे power x to the power n minus 2. चलिए ये हमारा मिस्टेक कहीं नहीं हुआ, हमको कुछ शक क्यों हो रहा है. ये रख दिए इसका डिफरेंशिएट कर दिए प्लस log x रख दिए ये इसका जो पावर था रख दिए इस पे पावर एक कम कर दिए क्लियर. ये इस पे एक पावर कम हो गया log x n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 क्लियर. x टू द पावर n माइनस 2 प्लस log x n माइनस 1 ये रखे x टू द पावर n माइनस क्लियर. इसको एक लाइन सजा के लिख लेते हैं dy by dx जिसको y1 भी कहते हैं जरूरत पड़ेगा तो y1 कहिएगा हम लिख देते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 2 प्लस ये n माइनस 1 log x पे पावर x टू द पावर n माइनस 2 क्लियर समझ में आ गया होगा. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऊपर का y ऊपर है ही जगह क्यों खत्म करें ऊपर लिखते हैं. लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x i d2y by dx square is equal to इसको differentiate करेंगे देखिए कैसे करेंगे इसको जो power है multiplication में और उसी में power minus 2 है ये minus 3 हो जाएगा एक power घटा देते हैं तो ये minus 2 था minus 3 हो गया plus n minus हाँ देखिए n minus 1 बाहर रख लेते हैं n minus 1 ये समझने में दिक्कत हुआ क्या जी. जो पावर था वो पावर रख दिए और जिस पर पावर था उसमें कम कर दिए तो माइनस 3 हो गया प्लस एन माइनस 1 log log ये बाहर हो गया. अब ये देखिए ये u इंटू वी का काम करेगा करेगा ना फर्स्ट फंक्शन स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि इसका डेरिवेटिव तो जो पावर है उस पावर को लिखे उसी पावर में एक पावर कम कर दिए समझ में आ गया. बड़ा होता है तो दिमाग इधर उधर होता है
सेकंड फंक्शन प्लस में स्टेबल n माइनस टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री प्लस मल्टीप्लाई करते हुए निकलिए एन माइनस वन लॉग एक्स इंटू एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया तो एन माइनस वन x पे पावर n माइनस ऊपर चला गया तो 3 हो गया। क्लियर है, ब्रैकेट वगैरह का जरूरी नहीं है। एक लाइन और लिख ले सजा उजा पे के लिख लेते हैं एक लाइन और सजा के डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इसी को y2 कहते हैं इज इक्वल टू n माइनस टू एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री प्लस n माइनस वन ये चीज n माइनस टू एक साथ और ये log x और ये x टू दी पावर n माइनस थ्री प्लस n माइनस वन x टू दी पावर n माइनस थ्री। क्लियर है, समझ गए होंगे ये पूरे चीज को। ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ना करके रिजल्ट को पुट कीजिए आ जाएगा। लाइट ना है क्या? अब वो लाइट चला गया। y2 x square x square y2 का वैल्यू क्या है देखिए तो y2 का वैल्यू है n minus 2 x to the power n minus 3 y2 का वैल्यू रख रहे हैं वहां पे देखिए x square बाहर रख दिए और n minus 2 ये रख दिए और x to the power n minus 3 रख दिए प्लस n माइनस वन एन माइनस टू लॉग एक्स इंटू एक्स पे पावर n माइनस थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस टू एक्स इंटू एक्स y1 देखिए ये y1 यहां निकला हुआ है x टू दी पावर n माइनस टू प्लस n माइनस वन log x x टू दी पावर n माइनस टू ब्रैकेट बंद प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर ये वाला लिखे और y y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है x टू दी पावर n माइनस वन log x ना करके यहां पे यूज कीजिएगा ना करके यूज किए। अब इस सारे रिजल्ट को हम लोग निकालेंगे। कुछ दूर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, समझे? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू चल रहा है, जीरो दिखाना है और जीरो आएगा भी। चलिए ध्यान से देखिए, एक्स पे दो पावर है, जहां जहां आपको एक्स पे पावर मिलेगा वहां दो कम कर दीजिएगा, यानी कि जैसे देखिए यहाँ माइनस थ्री है तो ये दो जोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो वो कम आपको दिखेगा, होगा नहीं, जनरली बढ़ेगा। एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री है, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस तीन रुपया है और दो रुपया ऐड हो गया तो माइनस वन रुपीज, समझ में आ गया होगा, अच्छे भाषा में समझा दिए। एन माइनस वन एन माइनस टू लॉग एक्स और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा फिर उसी तरह थ्री रुपीज नेगेटिव टू रुपीज एड माइनस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन ये माइनस वन हो गया क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये बात क्लियर हुआ। प्लस
ये 3 माइनस 2x, अभी रहने दीजिए इसको बाहर, 1x को यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 1 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो जब 1 इसमें ऐड कीजिएगा तो x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, ये log x टू दी पावर 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया x टू दी पावर n माइनस 1, ये काम खत्म, ये प्लस, ये इतना से मल्टीप्लाई होगा, प्लस n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 log x। एक दो स्टेप बढ़ा देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 log x इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 x पे पावर n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, प्लस एक 3 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 3 n माइनस 1 log x इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई हो गया सब, अब माइनस 2x से कीजिए तो माइनस टू एक्स से जब कीजिएगा तो 1x इसका खत्म, यानी कि माइनस 2x टू दी पावर n, 1x पे 1x खत्म, अब इसको भी माइनस x से कीजिएगा तो माइनस 2 बचा, ये n माइनस 1, ये log x और इंटू x टू दी पावर n, क्लियर है, इसमें एक n इस x से कैंसिल हो गया, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी हो गया, चार टर्म हुआ यहां से देख लीजिए, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चलिए चार टर्म हो गया, प्लस बगल में लिख लेते हैं, प्लस n, एक बार n कीजिए, n x टू दी पावर n माइनस 1 log x, और एक बार ये माइनस 1 से x टू दी पावर n माइनस 1 log x। अब आगे आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, हम आपको कुछ कुछ दिखा देते हैं, देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 यहीं से शुरू करते हैं, तो x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी है, x टू दी पावर n माइनस 1 कहीं और होगा, देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 1 एक यहाँ पर भी है और x टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो आप सीधा जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा और आगे कैलकुलेशन हो जाएगा, आप करके हमें भेजिएगा, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हैं, क्योंकि अब बहुत सारा गुना भाग होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, चैप्टर भी खत्म करना, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, वो भी बनाने दे रहे हैं, अभी बनाई के हमको ये भी भेजिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी खत्म करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। y इज इक्वल टू log x बाय a प्लस bx टू दी पावर x प्रूव दैट, सिद्ध करें डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स ए बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको एक बार ऐसे कर लीजिएगा तो हमको लगता है आसानी से होगा,
ये इधर लाइएगा e टू दी पावर y, log इधर है, एक्सपोनेंशियल हो गया, और इसके बाद इसमें लिखिएगा, फिर दोनों तरफ लॉग लगाइएगा इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, देखिए वाई जो वो पावर है उस पावर को एक्स पावर जो है वो ऐसे लिखिएगा एक्स लॉग एक्स बाय ए प्लस बी एक्स क्यू भाई, बगल में देख दिखा देते हैं लॉग एम टू दी पावर एन, तो एन लॉग एम, क्लियर है। अब देखिए एक कम और कर लीजिएगा तो साथ में वाई इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा और लिखिएगा log x माइनस log a प्लस बी एक्स, एक लाइन और लिख देते हैं x log x माइनस x log a प्लस बी एक्स, क्लियर है। अब dy बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा आराम से, देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा, आपको आंसर दिया हुआ है, ज्यादा प्रूफ करना ही नहीं है, इसको जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक बार कर देते हैं डीवाई बाई डी एक्स, जब आप कीजिएगा एक्स स्टेबल, एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स स्टेबल माइनस था मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट किए एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय ए प्लस बी एक्स, और थोड़ा एंगल बड़ा है तो बी का डिफरेंशिएशन करेंगे ए का जीरो प्लस बी कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और फिर प्लस यू इंटू भी चल रहा है ना, तो एक स्टेबल इसका डिफरेंशिएशन इतना, अब लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, क्लियर हो गया। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स कैंसिल वन बचा प्लस log x माइनस ये x ये b n बचा यहाँ पे सिर्फ, तो b इंटू एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस log a प्लस बी एक्स, क्लियर है। चैप्टर हुआ फर्स्ट स्टेबल सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेबल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया। ये इसको एक बार सजाना है क्या, कुछ कुछ सजाने की जरूरत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स हो गया माइनस यू बाय भी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे, देखिएगा एक काम और, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा, ये इसके साथ लगा तो माइनस दिया और ये इसके साथ भी गया तो इसको भी ये क्या बना दिया, माइनस में बना दिया, थोड़ा सा माइनस प्लस में मिस्टेक पे ध्यान रखिएगा आप लोग। माइनस यू बाई वी का डिफरेंशिएशन स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि नीचे वाले का डाउनवर्ड का डिफरेंशिएशन स्क्वायर, और फिर डाउन वाले को स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ अपर यानी कि बी एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस अपर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डाउनवर्ड्स यानी कि ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन वन, क्लियर। ए का डिफरेंशिएशन जीरो, बी एक्स स्टेबल, ए का डिफरेंशिएशन जीरो, बी कांस्टेंट, एक्स वन, क्लियर हो गया ये इतना सा। अब ये इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस वन बाय ए प्लस बी एक्स इंटू ए का जीरो प्लस बी इंटू एक्स का वन, क्लियर, समझ में आ गया होगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस बी एक्स, देखिएगा बी एक्स और यहां सिर्फ बी बचा तो ये बी स्क्वायर और ये एक्स, तो ए एक्स इतना 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 और ये चीज डिवाइड में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये माइनस, ये बीच में माइनस, क्लियर है, ये माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, क्लियर हो गया। अब तो ज्यादा कुछ नहीं है, अब एलसीएम वगैरह ले लें, देखते हैं कुछ दूर तक ले जाते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है।
उसके बाद फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इधर मिटाएं, यही मिटाते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ के बाद आप लोग कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ एलसीएम लीजिएगा, यहाँ एलसीएम आएगा और ऊपर देखिएगा वो कटेगा। बना के भेजिएगा अभिनंदन, आप भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। और अमित, अरे अमित आपका कल नहीं आया था, कहाँ रहता है जी? हाँ अमित, आप गड़बड़ कर रहे हैं, कल आपका नहीं आया था। आप पे तो ज़्यादा ध्यान है, आप तो डेली भेजते थे इसलिए। और बाकी का जो ठीक ठाक सब चीज़ आ रहा है, बाकी देख लेते हैं इधर, ठीक है। आते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, टाइप टू पर आते हैं। इसको बना के भेजिएगा, फिर कितना परेशान कीजिएगा। टाइप टू छोटा टाइप है, क्वेश्चन नंबर 28 से चालू करते हैं नीचे से, ठीक है। इफ एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर एम प्लस एन, प्रूव दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इतना फटाफट निकालते हैं, पढ़ते आगे सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लगाते हैं। कैसा वीवीआई देखिए, वीवीआई बी एस ई बी पटना और सी बी एस सी, क्लियर है। तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आने वाला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ में इस बार भी के लिए, और बाकी वाला तो बताएंगे बाद में, लेकिन इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पे पावर एम प्लस एन टेकिंग log on both side we get, हम लोग पाते हैं difference दोनों तरफ log लगाते हैं, log x to the power m। इस पर थोड़ा बोलना पड़ेगा, हम बताए थे कि यदि इस टाइप का पावर वाले के फॉर्म में रहे और वो सेपरेट पावर नहीं रहे, सेपरेट पावर नहीं रहेगा मतलब भी हम ये बताए थे ना कि उस x टू द पावर n के फॉर्म में नहीं रहे, जो कि हम उसके पावर को लिख लें मल्टीप्लीकेशन में और उस पावर में एक क्या कर दें, कम कर दें, समझ रहे हैं बात। यदि पावर के फॉर्म में रहे और वो ऐसा नहीं रहे कि हम डिफ्रेंसिएशन का पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तब वैसे परिस्थिति में हम लोग लॉगरिथम का यूज करेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बात समझ रहे होंगे, तो उसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया n इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। चलिए लॉग x टू द पावर m प्लस log y टू द पावर n और फिर ये log एक ही बार लिखेंगे, सारा ऑपरेशन एक ही बार लगाएंगे और अच्छा भी वैसा ही होता है। जो पावर में है वो पावर में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में n log n log y इज इक्वल टू जो पावर है m प्लस n log x प्लस वाई, क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं n, अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, n लिखे इनटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x प्लस ये n था कि m था, m था, m बनाते हैं, m बनाते हैं, ये n n लिखे और ये वन बाय वाई लिखे और dy बाय dx लिखे, क्योंकि y था ना, बात समझते होंगे अब आप लोग। m
प्लस एन इंटू लॉग का डिफ्रेंसिएशन वन बाय जो चीज एंगल में रख देंगे, और यहाँ पर एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन प्लस वाई का डीवाई बाय डीएक्स ऊपर मिटा दें कि नीचे मिटा दें, डी टू वाई बाय डी टू हाँ नीचे ही मिटाते हैं, ऊपर भी मिटा देंगे, ऊपर लिख लीजिए जल्दी से m by x plus n by y dy by dx is equal to m plus n upon x plus y into 1 plus dy by dx. क्लियर है? बढ़ाते हैं आगे चीजों को और बढ़ा लेते हैं. m by x इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बताएं. n by y dy by dx is equal to ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए m plus n x plus y plus m plus n x plus y dy by dx. याद है कि हम लोग किस प्रकार का डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं? अब थोड़ा सा पीछे से आए ना, एक क्लास में कुछ पीछे वाली चीज़ों को बताएंगे और जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से हम सेट करेंगे कि दो तरह का डिफ्रेंसिएशन पढ़ते थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. तो पहले जो हम लोग पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े थे और इसके बाद एक्सप्लिसिट पढ़े थे. पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े थे और फिर इम्प्लिसिट पढ़े थे. एक्सप्लिसिट वाले फंक्शन में क्या था? dy by dx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं उस तरह से, dy by dx सेपरेट मिल जाता था, मतलब कि वो इंड्यूस्ड नहीं होता था, एक दूसरे के अंदर बंद नहीं रहता था, अलग अलग सेपरेट रहता था. ठीक है, तो वो कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में आए. तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या था कि एक दूसरे के अंदर कनेक्ट रहता था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब कहीं dy बटे dx उधर है, कुछ दूर वहाँ है, फिर वहाँ है, मतलब कुछ टर्म में अलग अलग. तब हम लोग उस जगह क्या करते थे कि dy बाय dx वाले को एक जगह लाते थे और विदाउट dy बाय dx वाले को एक जगह लाते थे, और dy बटे dx वाले से dy बाय dx कॉमन लेते थे और जो चीज़ मल्टीप्लीकेशन में बस बचता था उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाके डिवाइड कर देते थे. होता ही था, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. बात समझ रहे होंगे? हम उल्टा इसलिए बता रहे हैं कि आप सीधा समझ रहे होंगे, इसलिए तो ये बात समझ गए होंगे. तो उसी तरह से यहाँ पे dy बटे dx और dy बटे dx ये दोनों को एक साथ रखना है हमें, और ये दोनों को एक साथ रखना है. बात समझ गए होंगे? लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं. और वो जो अलग अलग अलजेब्राइक वगैरह पढ़े थे वो अलग अलग. This implies that m by x ये इधर आएगा तो minus n plus n upon x plus y bracket 1 is equal to m plus n x plus y dy by dx, और ये चीज उधर जाएगा तो minus n by y dy by dx. This implies that यहाँ पे x x plus y और ये इधर हो गया तो m x plus y minus m plus n और ये इधर ये x हो गया is equal to यहाँ पर dy by dx कॉमन ले लीजिए. तो सबसे पहले dy by dx देखिए कॉमन ले लिए और यहाँ पे LCM y into x plus y और ये इधर हो गया तो y into m plus n minus n x plus y. क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइड माइनस. ठीक है, m x minus m x plus m y minus
एम एक्स माइनस इधर प्लस या माइनस एम एक्स इतना एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम वाई प्लस एन वाई माइनस एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स एक्स वाई और एक्स वाई क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या कटने वाला है, कुछ कटने वाला है, एक माइनस में है एम एक्स पॉजिटिव एम एक्स नेगेटिव ये और ये कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट इधर भी कुछ होगा शायद एम वाई एन एक्स एन एक्स एन वाई हाँ ये और ये कैंसिल। आइए यहाँ पे क्या होगा, ये एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम वाई एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट बंद डी वाई बाय डी एक्स। देखिए एम वाई एन एक्स एम वाई एन एक्स क्लियर, ये वाई मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में वाई बाय एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये चीज तो अभी आगे बढ़ेगा और डी टी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन ये इस जगह से जितना आगे हम बढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जिस समय पढ़ाएंगे इसके बाद तो उस एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा और वहाँ वाई बाय एक्स और एक्स वाई वाई को डिफ्रेंशिएट करना होगा, अभी बता रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर इसी चीज को जब इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे और वहां होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन दोनों डिफरेंशिएशन यूज होगा, इसलिए यहां पे डिफरेंशिएशन को अच्छे ध्यान से देखिएगा आगे काम आने वाला है, समझे, रुक के बताना यही कारण था। चलिए ऊपर मिटा लेते हैं आगे बढ़ते हैं। y by x differentiating with respect to x लिख लीजिएगा, अच्छा इसको एक लाइन और लिख लेते हैं dy by dx is equal to y by x differentiating with respect to x d2y by dx square is equal to u by v का differentiation आज के भी लेक्चर में हम लोग प्रयोग कराए हैं, नीचे वाले का स्क्वायर स्टेबल नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अपर डीवाई बाई डी एक्स माइनस अपर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, क्लियर है। आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लोअर स्क्वायर इसके बाद एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है वाई बाय एक्स माइनस वाई, क्लियर है। dy by dx का होल स्क्वायर ये x कैंसिल y माइनस y अपॉन x स्क्वायर y माइनस y 0 by x इज इक्वल टू 0 dy 2 by dx स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ। चलिए रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ना, आइए 27 रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y अलोन इन टर्म ऑफ y alone। चलिए इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, आज चैप्टर खत्म करेंगे, कल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। dy by dx इज इक्वल टू डायरेक्ट बनाते हैं
वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई अलोन समझाएंगे क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सारा चीज तो जान रहे हैं सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख देते हैं लोअर इतना का डिफरेंशिएशन पूरे लिख देते हैं नीचे वाले का स्क्वायर डाउनवर्ड का स्क्वायर स्टेबल डाउनवर्ड्स डेरिवेटिव ऑफ अपरवर्ड्स जीरो लिख दे पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कहीं शॉर्ट नहीं बता रहे हैं आज लास्ट चैप्टर चल रहा है जी क्या कहीं शॉर्ट किए नहीं ना किए कोई बात नहीं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अकेला कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जब अलोन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो माइनस वन स्टेबल डिफरेंशिएशन वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स This implies that d2y by dx square is equal to ये तो जीरो हो गया ये माइनस और ये माइनस प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x square का होल स्क्वायर This implies that d2y by dx square is equal to माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x square का होल स्क्वायर ये माइनस कैसे बचा जी ये माइनस और ये माइनस प्लस ये प्लस रह गया कोई दिक्कत नहीं ना तो ये निकला 2x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर तो अब देखिएगा y अलोन का मतलब होता है कि जो आपका आंसर आना चाहिए उसमें सिर्फ y रहना चाहिए तो यहाँ ध्यान से देखिए आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे आपको याद है फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या था भाई कि जो चीज इधर है इधर आएगा तो इनवर्स खत्म होगा बाय द सिंबल ऑफ इनवर्स ट्रिगो दिस इज कॉल्ड एंगल समझ रहे हैं सारा चीज वहां बताए थे तो वो यहाँ आ गया अब इन चीजों को आप देखने की कोशिश करेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां आप दीजिए 2 टाइम्स x है तो ये tan y कर दीजिए 1 प्लस x स्क्वायर तो ये देखिए 1 प्लस x स्क्वायर है तो 1 प्लस ये x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर x स्क्वायर मतलब x इज इक्वल टू टेन वाई यानी कि टेन वाई लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक में अगला लाइन एक लाइन और हम पढ़ते हैं टू टेन वाई अपॉन sec स्क्वायर वाई ध्यान से देखिए sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई बराबर वन क्लियर है तो sec स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर वाई इन चीजों को आप देखेंगे तो ये मिल रहा होगा नीचे वाला चीज तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर अब इसको हम यहाँ पे साफ सुथरा लिख देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टेन वाई अपॉन sec टू दी पावर फोर वाई sec टू दी पावर फोर वाई नहीं दिख रहा है बोल रहे हैं ठीक है टू टेन वाई अपॉन sec स्क्वायर पहले से था स्क्वायर ऊपर है तो पावर फोर वाई यानी कि टू sec वाई sec टू दी पावर फोर वाई क्लियर है आगे बढ़ते हैं ये आपका आंसर रिजल्ट हुआ सारा वाई में आंसर निकला ना सब वही था वही चीज कह रहा था इन टर्म ऑफ वाई चलिए आगे बढ़ते हैं
26 अपन आने दे देंगे जी, 26 बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, छोटा हम बनाएंगे क्या, कोई बात नहीं बना देंगे, हम ही बना देंगे। 10y एंड y इज इक्वल टू साइन pt, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू लिख देते हैं, शॉर्ट में आया, माइनस एक्स वाई वन प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू इतना, ये मिक्स क्वेश्चन है जी, मिक्स क्वेश्चन है, गिवन बनाते हैं फटाफट बन जाएगा, कुछ दूर तक ले जाते हैं, डिफरेंशिएटिंग गिवन लिख दीजिए ये चीज, और लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डीएक्स बाय डीटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस dy by dt इज इक्वल टू साइन डेरिवेटिव ऑफ, ये इसमें ये अकेला है विदाउट p है ना, वो विदाउट p, चलिए dp dt विथ रिस्पेक्ट टू t, चलिए dx by dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos t एंड dy by dt is equal to sin का differentiation cos pt, कोई दिक्कत, और p into t का वन, ये बात तो आप लोग जानते हैं। चलिए अब क्या निकाल, ये क्या है जी, d2y है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन differentiating करना पड़ेगा, तो d2x by dt square is equal to cos का differentiation minus sin t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, ये t हो गया, एंड d2y by dt स्क्वायर दो बार कीजिए अभी देखिए पता चलेगा, माइनस साइन pt इंटू p इंटू p, समझ में आ गया होगा, p कांस्टेंट रहा, ये p कांस्टेंट रख दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, और pt का फिर एक t निकला, तो p निकला, तो वो p यहां लिखिए, क्लियर है, एक बात समझा लीजिए, d2x by dt square is equal to minus sin t and d2y by dt square is equal to p square minus sin pt, क्लियर है यहाँ पे, अब देखिए ना d2y by dx square डिवाइड कीजिए इसको इससे, तो d2y by dx square इसको लिख सकते हैं d2y by dx ये यहां से इधर आप d ये dy ये कुछ और है, यहां पे हमको देखने दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन लिखा हुआ है d2y by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, तो उसके लिए d2y by dx स्क्वायर है ना, तो डबल डेरिवेटिव से पहले dy by dx निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी है, थोड़ा सा ये यहाँ पे तब ऐसा होगा कि इसको जो है ना यहाँ से यहाँ पे dy by dx निकाल लीजिए, dy by dx is equal to dy by dt अपॉन डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स में लिख दीजिए पी कॉस पी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, ये निकाल दीजिए कॉस टी, क्लियर है, अब देखिए डी वाई बाय डी एक्स निकल गया, अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो नीचे है उसको cos t का होल स्क्वायर, नीचे वाले को cos t स्टेबल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, क्लियर है, नीचे वाले को लिख का स्क्वायर, नीचे वाले को लिखे ऊपर का डिफरेंशिएशन, p
पी लिखे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी टी इंटू पी बाहर से पी निकलेगा ही और इसके बाद माइनस कॉस पी टी। एक काम करते हैं इस पी, ये पी है ना तो ये पी को पूरे बाहर भी रख सकते हैं ना हम लोग, ये पी जो है ये पी को पूरे बाहर ही रख लिए, ये पी को बाहर रख लिए, नीचे वाले का स्क्वायर किए, फिर नीचे वाले को लिखे, ऊपर का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन पी टी, पी टी का डिफरेंशिएशन पी इंटू वन दे देते हैं समझने के लिए, माइनस अपर अपर रखे इंटू डेरिवेटिव नीचे का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। क्लियर हो गया, क्लियर है। एक लाइन इसको और बढ़ा लेते हैं आगे, पी कॉस टी ये सारा चीज सजा के लिखते हैं, माइनस पी कॉस टी इंटू साइन पी टी माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस कॉस पी टी और ये साइन टी और बटे कॉस टी का होल स्क्वायर। क्लियर है, कॉस टी एक कॉमन आ जाएगा यहां से कॉस टी आने वाला है नहीं। चलिए हम लोग ना करके उस पॉइंट पर आते हैं, उस पॉइंट से हम लोग काम निकाल लेंगे। dy by dx देखिए यहाँ पे ये चीज जो निकला है ये y1 है, याद रखिएगा dy by dx ये y1 है और d2y by dx ये y2 है। बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे बनेगा तो आपको दिक्कत होगा ही ना थोड़ा सा देखने समझने में, बाकी सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है समझ में भी आएगा। चलिए चलिए इसमें लिखते हैं ना, अब देखिए यहाँ पे लिख ये ना लिख के ये चीज लिख दीजिएगा यहाँ तक और इसके बाद इसको लिखना शुरू कीजिएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन। ओहो उसको लिखे तो उसका वैल्यू अगर देना था उस पर, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वाई टू का जो वैल्यू लिखा हुआ है देखिए अब आप लोग बनाइएगा, बहुत बहुत बड़ा है दिक्कत लिख दें बहुत परेशानी होता है लिखने में जी, ये पी बाहर माइनस पी कॉस टी लिख देते हैं, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है लिखने, साइन पी टी प्लस कॉस पी टी साइन टी ब्रैकेट बंद बाय कॉस टी का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस एक्स वाई वन का वैल्यू यहां देखिए पी कॉस पी टी बाय कॉस टी ये y1 हो गया प्लस p स्क्वायर y का वैल्यू क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है यहाँ पे मीटर गेट क्वेश्चन है, y का वैल्यू साइन pt ये जीरो आना चाहिए, ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा जीरो आएगा नहीं आएगा हम नेक्स्ट डे में इसको फिर देखते हैं, तो ये भी कंप्लीट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन और है कुछ वो लिखते हैं होमवर्क क्वेश्चन नंबर 25। टाइम भी बहुत हो गया आज खत्म भी करना था, y is equal to e to the power m sin inverse x then so that 1 minus x square y 2 minus x y 1 minus m square y बराबर 0। और एक क्वेश्चन और है ये भी लिखा देते हैं, सारे क्वेश्चन का डिटेल बता देंगे कि क्या कैसा कैसी स्थिति पे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है वो भी डिटेल बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 x इज इक्वल टू कॉस एक्स
cos थीटा y इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा देन सो डैट जो दिखाना है वो लिखते हैं डायरेक्ट y डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री साइन स्क्वायर थीटा फाइव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ब्रैकेट बंद। चलिए ध्यान से देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स आप देख रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, जबकि ये तो क्लियर है। यहाँ देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में, पहले एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा और फिर उसको डी टी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से बन जाएगा और ये भी आपको बनाना है, जनरल इजी क्वेश्चन है, ये भी बना लेना है आपको, ये कंप्लीट करना है। हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करके बना के भेजना है। 23 वहाँ भी हम लास्ट में कैलकुलेशन छोड़े हैं, वो भी कैलकुलेशन होमवर्क में आपको करके पूरा करना है। इसके बाद आइए 28 कंप्लीट किए, 27 कंप्लीट किए, 26 कैलकुलेशन अभी तुरंत छोड़े हैं, ये भी कैलकुलेशन कंप्लीट करना है, तीन का कैलकुलेशन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि तीन का थोड़ा थोड़ा लास्ट में कैलकुलेशन छोड़े हैं, वो कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। और 24 और 25 कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है, तो कोई ज़्यादा भारी तो चीज़ भी नहीं है, इजी से आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 12.1 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12.1 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लिखा रहे हैं। 27 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जो हम अभी अधूरा छोड़े हैं कंप्लीट कर लीजिएगा, 26 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 25 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 16 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 13 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 छत पे लटका देंगे कंफ्यूजन है तो, क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट रहता ही है, और तो कुछ नहीं है, और नहीं है, 10, 11, 12 लिखा ही दिए, कंप्लीट है। इधर एक क्वेश्चन नंबर आप ठीक, क्वेश्चन नंबर ठीक इतने हैं, एक 19 भी लिख लीजिए, इस CBSE में है तो मे भी आप लोगों में भी लॉन्ग में कभी पूछ दे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो इसमें 12 नंबर बहुत ज़्यादा इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये डिफ्रेंशिएशन खत्म हुआ आज। नेक्स्ट दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर हमारा होगा रॉलेस थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम। गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकता है या फिर स्टेटमेंट के साथ साथ एक प्रॉब्लम बनाने के लिए आ सकता है। अभी वर्तमान परिस्थिति बता रही है कि ये क्वेश्चन जो आपका आएगा रॉलेज और लेग्रांजेस, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला जो आपका आएगा ये स्टेटमेंट 2 मार्क्स में दे सकता है और 3 मार्क्स में बी नंबर करके इसका क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि सिलेबस को शॉर्ट किया गया है और जो शॉर्ट सिलेबस से क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा मजबूती के साथ आएगा। याद रखिएगा, जब भी सिलेबस शॉर्ट किया जाता है, ये पुराना इतिहास है, जब भी सिलेबस शॉर्ट किया जाएगा क्वेश्चन को मजबूती से पेश किया जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, जो पहले क्वेश्चन जिस तरह पूछा जाता था उसी तरह पूछा जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट लगाया जाएगा, क्लियर है। आप लोग ये बात कभी नहीं भूलिएगा कि आप लोगों का एग्जाम और रिजल्ट MLA वाला इलेक्शन के बाद ही होगा, मतलब ये इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाएगा तब होगा, यानी कि किसी भी बेनिफिट के आशे में आप लोग नहीं रहिएगा, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा। और जो बात सच्चाई है वो बात तो हम बोल रहे हैं और सारे लोग जानते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है, आपको अलर्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, जब क्लास 11th में आप हमारे पास आए थे
तब से आपको अलर्ट कर रहे थे कि आपका सिलेबस बड़ा गड़बड़ स्थिति से गुजरने वाला है, और ये ना कहिएगा कि हम बोले इसलिए ऐसा हो गया, सारे के साथ हुआ। और ऐसा नहीं है कि हमारी बातें सही हो जाती है, वैसा कोई बात नहीं है, नहीं तो हमको बदनाम नहीं कीजिएगा। तो चीज़ों को समझिए आप कि अगला रॉलेस थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम चलेगा, दोनों का स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। यदि कुछ हिंट्स देना चाहें, कुछ बताए होंगे, कंटिन्यूअस चीज़ बताए थे, डिफरेंशिएबल चीज़ बताए थे, ए कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड हो इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, इस प्रकार से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट एट दैट पॉइंट वैनिशेस फंक्शन एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। उसी तरह से ये हो गया आपका लेग्रांजेस, और इसके बाद एक होगा लेग्रांजेस के बाद कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम होगा। इस तरह का आप जब हायर पार्ट टू बीएससी पार्ट टू में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास पांच या छह थ्योरम मिलेगा एडवांस कैलकुलस में, वो बड़े बड़े थ्योरम होता है। तो वहाँ पे भी पहला एफ एक्स डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, इसके बाद ए और बी के बीच कॉन्टिन्यूस होगा ए बी के ओपन इंटरवल में, सारा चीज डिस्कस करेंगे, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट, अब वो यहाँ पे जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। क्लियर है ना? तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना है, बाकी पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री मेरा काम है समझाना, आपके सिलेबस में है या नहीं है, ना तो आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं, जब आप बुक निकालेंगे तो उसमें तो है, तो ये एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है लेकिन स्टेटमेंट आता है। तो स्टेटमेंट आपको तब याद रहेगा जब प्रूफ पे आपका दिमाग चला रहेगा। अब प्रूफ आप कंप्लीट करें ना करें वो आपके माइंड पे निर्भर करता है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्वेल्थ लेवल की सारी चीज़ों को इतने विस्तार से बताया जाए जब अगले क्लास में आप जाएँ तो और अच्छे ढंग से समझें। तो बात समझ रहे होंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आज कंप्लीट हुआ मतलब बता दिए, और दो तीन क्वेश्चन हम आपको दिए होमवर्क, आप कंप्लीट करके रखेंगे, और इसके बाद आपको कल से वो यदि हमारा स्टेटमेंट आप लिख पाते हो तो याद भी कर लें एक बार, और फिर बोल देते हैं ए फंक्शन एफ इफ, या फिर ऐसे लिखिए लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ओवर क्लोज इंटरवल ए बी को इस प्रकार सिंबल से लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल के बाद ई सच दैट इस प्रकार से एक नंबर देकर के लिखिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इसके बाद दूसरा नंबर देखिए उसी जगह नीचे लिखिए एंड देखिए दूसरा नंबर एफ एक्स इज डिफरेंसिबल इन ओपन इंटरवल, 11th में पढ़ा है ओपन इंटरवल ए बी, देन यहां पे लिखने के बाद लिखिएगा देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल दे दीजिएगा एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, अब सच दैट का सिंबल दीजिएगा और लिखिएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, इतना लिख लिए। इसके बाद ये हो गया रॉलेस थ्योरम का, ये स्टेटमेंट रॉलेस थ्योरम का। इसके बाद लेग्रांजेस थ्योरम का आएगा, लेग्रांजेस थ्योरम का इसी तरह से लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये उनके लिए जो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बाकी टेंशन मत लीजिएगा, सारे चीज़ों को समझा के हम लिखाएंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो और पढ़ाने का मन कर रहा है लेकिन लग रहा है ये थ्योरम सारा पूरा लिखा उखा के कम्प्लीट कर दें, कोई बात नहीं। और फिर आप लोग अलर्ट हो जाइए, कभी भी क्लास अब चालू हो सकता है क्योंकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम अब है नहीं, जो जहाँ है सेफ जोन में, आप घर में हैं तो सेफ हैं, घर से बाहर भी निकल रहे हैं, यदि सेफ खुद को आप मास्क लगा के चलते हैं या फिर आप डिस्टेंस बना के रखते हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है, आप लोग अलर्ट रहे हैं। 15 अगस्त के बाद प्लानिंग कुछ की जाएगी, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन फिर मिलते हैं।